गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स। सिविक्स क्या होती है? सिविक्स में हम लोगों के लाइफ में क्या रूल्स हैं, किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट चलती है, हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें हमारे क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं, अधिकार जो हमें मिलते हैं और कर्तव्य जो हमें समाज के प्रति निभाने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। हमारी गवर्नमेंट हमें क्या क्या सुविधाएं देती है, कैसे चलती है और किन किन लोगों का राज्य होता है, किन किन लोगों का शासन होता है, कोई गलत काम होने पर उसके लिए क्या सुनवाई है और किस तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। उसी सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन को हम लोग सिविक्स बोलते हैं। सिविक्स जो वर्ड है, एक तरीके से सिविलाइजेशन सभ्यता के बारे में, तो वही चीज़ हमारे नागरिकों के बारे में, नागरिकों की सुविधाओं के बारे में, जिसको सिविक्स को हम लोग बोलते हैं नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र का मतलब नागरिकों के से रिलेटेड हर एक चीज़, शास्त्र का मतलब ही हो जाता बहुत सारी चीज़ों का गठन। तो हम लोग आज देखेंगे सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हमारा संविधान। हमारे संविधान में हमारी कंट्री से रिलेटेड उसके रूल्स, रेगुलेशन और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मेरे अधिकार, गवर्नमेंट का शासन और बहुत सारी चीज़ें। तो आइए देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे बना, कैसे लागू हुआ और हमें क्या क्या नियम कानून, क्या सुविधा अधिकार देता है और क्या कर्तव्य हमसे पालन करने को कहता है। लेट्स स्टार्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विद फुटबॉल, अ गेम मैनी ऑफ यू हैव प्रोबेबली हर्ड ऑफ और इवन प्लेड। एक ऐसा खेल फुटबॉल जो कि आपने ज़्यादातर सुना होगा या खेला भी होगा बहुतों ने। एज अ नेम सजेस्ट दिस इज़ अ गेम दैट इन्वॉल्व द प्लेयर्स फीट। इसका नाम जो है, आपको लगता होगा कि इसका नाम इसके खेल के हिसाब से ही पड़ा है, क्योंकि ये खेल पैरों से संबंधित है, पैरों से खेला जाता है। तो फुटबॉल मतलब बॉल को फुट से, पैर से खेलना, तो उसका नाम भी इसी अकॉर्डिंग पड़ गया। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल, इफ़ द बॉल टचेस द आर्म ऑफ एनी प्लेयर एक्सेप्ट द गोल कीपर, देन दिस इज कंसिडर्ड अ फाउल। इसका एक नियम होता है कि गोल कीपर को छोड़ के अगर ये बॉल किसी भी प्लेयर की आर्म, हाथ को छूती है, आर्मिस भुजाएं होता है जो एल्बो के ऊपर का पार्ट होता है, लेकिन हम लोग पूरा हाथ एक तरीके से ले लें, हाथ को बॉडी में टच करती है, तो ये क्या है, फाउल माना जाएगा, गलत माना जाएगा। Then so if player start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore. इस कहने का मतलब है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों से लेके एक दूसरे को देने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाता है। सिमिलरली अदर गेम सच एज हॉकी और क्रिकेट Also have rules according to which they are played. इसी तरीके से हर दूसरे गेम के, चाहे वो हॉकी हो या क्रिकेट हो, कुछ अपने नियम होते हैं। Each of these rules help define the games and help us distinguish one game from other. और इन खेलों के नियम जो होते हैं वो एक दूसरे खेल के बीच अंतर को भी दिखाते हैं कि हर खेल का एक दूसरे में क्या फ़र्क है, किससे, इसी से पता चलता है कि एक खेल दूसरे खेल से कैसे अलग है। एज दीज आर फंडामेंटल टू गेम, वी कैन आल्सो कॉल देम द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम। और इसी तरीके से हमारे समाज में भी कुछ नियम कानून होते हैं जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स मीन्स मेन मूलभूत नियम कहते हैं। लाइक दीज गेम्स अ सोसाइटी आल्सो हैज कॉन्जिक्यूटिव रूल्स डैट मेक इट वॉट इज द एंड डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द अदर काइंड ऑफ सोसाइटीज। उन्हीं से समाज का हम लोग फॉर्म देखते हैं कि किस तरीके का समाज है, समाज का रूप देखते हैं और अलग अलग समाजों के बीच का फर्क पता चलता है। इन लार्ज सोसाइटीज इन विच डिफ्रेंशिएट कम्युनिटीज ऑफ पीपुल लिव टुगेदर, दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू
consensus, and in modern countries this consensus is usually available in written form. और बड़े बड़े समाजों में कई बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ भी रहती हैं जहाँ पे नियमों को अगर अगर हम लोग ना बनाएं तो ये क्या करता है कि इन नियमों को ना बनाएं तो यहाँ पे गलत कार्य भी हो सकते हैं। और ऐसे में आधुनिक जो आजकल के देश हैं वहाँ पे सभी की सहमत के आधार पर रिटन फॉर्म में ऐसे नियम कानून बनाए जाते हैं। अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमारे बहुत सारे नियम कानून लिखे हैं, तो वही चीज़ यहाँ बताई गई कि अ रिटन डॉक्यूमेंट, एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें कि ऐसे ही रूल्स लिखे हों वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। वी हैव लुक्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लास 6 and 7 इन आवर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन और बीन क्यूरियस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन और हु रोट इट। हम लोग ये देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा गया है, उसे लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसको किसने लिखा था और उसको लिखने की कोशिश कैसे की गई थी, ये सारी चीज़ें हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिस्कस करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ दीज इशूज। इस चैप्टर में हम और भी दूसरे इशूज डिस्कस करेंगे एंड आल्सो लुक एट द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। की फीचर्स मीन्स मेन मुद्दे, और हम कॉन्स्टिट्यूशन के मेन मुख्य बातों पर भी चर्चा करेंगे। ईच ऑफ दिस फीचर इज क्रूसिकल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड सम ऑफ दीज विल बी फोकस ऑफ डिफरेंट चैप्टर इन दिस बुक। और ये जो फीचर्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि ये हमारी डेमोक्रेसी, इंडिया की डेमोक्रेसी के काम के लिए क्रूशिकल मीन्स कितना इम्पॉर्टेंट है। सम ऑफ दीज विल बी फोकस, और इसके साथ ही ये भी हम देखेंगे कि डिफरेंट चैप्टर इन दिस बुक, कि हमारे अलग अलग चैप्टर्स में क्या क्या बताया गया है। आगे दिया है व्हाई डज आर कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, किसी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कि हमारी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत किन किन वजहों से पड़ी और हम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे अब क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। देखिए, आइए देखते हैं कि यहाँ एक पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर को देखिए ध्यान से। तो इस पिक्चर को देखने से हमें पता चल रहा है कि यहाँ कोई मीटिंग चल रही है, यहाँ पे कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, एक बड़ी सी कोई मीटिंग चल रही है। और ये पिक्चर किस चीज़ को हमें दिखा रही है, ये किस चीज़ की पिक्चर है, इस बारे में हम देखते हैं। साइड में लिखा हुआ है, इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की एक डिमांड की। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द एसर्टन फॉर एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड ओनली ऑफ इंडियन गेंड मोमेंटम एंड दिस वॉज कन्वेंड इन दिसंबर 1946। और केवल भारतीय लोगों को, भारतीयों में ही नहीं को लेकर बनाने वाली एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग कब ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई, दूसरे विश्व युद्ध के टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। दिस असर्टन मीन्स हो गया बहुत तेज़ी से बढ़ जाना, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने की मांग भारतीयों में बहुत तेज़ी से बढ़ गई। और लास्ट में 1946 में इसका गठन भी किया गया, मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया गया। द फोटो ऑन पेज 2 शो सम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और ये जो फोटो है ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे हुए कुछ लोगों को दिखा रही है। बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। 19 दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 के बीच
इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख के तैयार किया, एक फॉर्मेट तैयार किया, फ्री टू सेव देयर डेस्टिनिटी एट लास्ट आफ्टर 150 इयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल्स। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अप्रोच दिस टास्क विद द ग्रेट आइडियलिज्म दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड हेल्प प्रोड्यूस। और 150 इयर्स के ब्रिटिश रूल्स मतलब अंग्रेजों के शासन के बाद इंडियंस को आखिरकार अपने भविष्य को सोचने का एक मौका मिला दिया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स ने अपनी जो इंडियन फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था, उस स्ट्रगल से जितने भी मेन मेन पॉइंट आइडियल्स निकल के आए थे, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सीरियसली होकर ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम किया। यू विल रीड मोर अबाउट द वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लेटर इन द चैप्टर। और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बाकी सारी चीज़ें आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। द फोटो अलॉन्ग साइड शोज प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखिए यहाँ पे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को संबोधित कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं, कह रहे हैं कि फोटो अलॉन्ग सोज प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एड्रेसिंग, बस उनको संविधान सभा को संबोधित करना, अपनी चीज़ें कहना। आगे दिया है टुडे मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज हमारे वर्ल्ड की ज़्यादातर कंट्रीज़ के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट ऑल कंट्रीज़ डैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें ये कहा जा सकता है कि उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि जिन जिन कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक होंगी। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जितनी कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब डेमोक्रेटिक होंगी, लेकिन जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उन सब के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पस। कॉन्स्टिट्यूशन हम अपने बहुत सारे पर्पस अधिकारों को बताता है। फर्स्ट इट लेज आउट सर्टेन आइडल्स डैट फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्रीज डैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। कहते हैं इसका पहला जो उद्देश्य है वो ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नियम कानूनों को एक कलेक्शन करता है जिसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि अपने देश का, अपने इंडिया का सिटीज़न अपनी इच्छा और अपने सपनों को पूरा कर सकता है। और पुट अनदर वे, और दूसरा तरीका ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटीज़। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि हमारी सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर कैसा है, कि उसका मूल स्वरूप क्या है। अ सोसाइटी इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीफ बट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल इशूज़। कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, उनके बीच की बातें सेम हों ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनके बीच के में जितने भी मुद्दे हों उन सब पे वो सब मिलके एग्री होने चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्संस इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वॉन्ट द कंट्री टू बी गवर्न्ड। कॉन्स्टिट्यूशन को रूल्स और रेगुलेशन का एक ऐसा कलेक्शन है, एक ऐसा समूह है जो देश के सभी पीपल्स को, सभी सिटीजन्स को अपने देश को कैसे चलाना चाहिए ये चीज़ें बताता है, अपनी गवर्नमेंट को कैसे चलाना चाहिए ये सारी चीज़ें बताता है। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसमें केवल गवर्नमेंट के ही टाइप को इंक्लूड नहीं किया गया है, बट आल्सो एन एग्रीमेंट और सर्टेन आइडल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। साथ ही ये भी जानकारी देते हैं कि किन आइडल्स के आधार पर एक अच्छी
अच्छा समझौता विकसित किया गया, एक अच्छा एग्रीमेंट किया गया है जिससे हमारी देश की पूरी तरीके से रक्षा हो सके और किससे हमारा पूरा देश सही से चल सके, अपहोल्ड हो सके। इधर एक पिक्चर दी हुई है जिसमें लोग आगे देखो चिल्ला रहे हैं, ये फ्लैग्स पकड़े हुए हैं, और ये पिक्चर कहाँ की है उसको आगे हम लोग देखते हैं। द कंट्री ऑफ नेपाल हैज़ विटनेस्ड सेवरल पीपल्स स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेसी। नेपाल में से बहुत सारे लोगों के बीच स्ट्रगल हुआ किस लिए, डेमोक्रेसी के लिए। देयर वॉज पीपल्स स्ट्रगल इन 1990 दैट इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी दैट लास्टेड ऑफ 12 ईयर्स अंटिल 2002। और ये जो स्ट्रगल हुआ था वो 1990 में स्टार्ट हुआ था और 12 सालों तक ये स्ट्रगल चलने के बाद 2002 में वहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो पाई। इन अक्टूबर 2002 किंग ज्ञानेंद्र सिटिंग द मोस्ट अपराइजिंग इन द कंट्री साइड एज हिज रीजन बिगन टेकिंग ओवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विद द आर्मीज असिस्टेंस। और 2002 में वहाँ के जो किंग थे ज्ञानेंद्र, उन्होंने कई सारे मोस्ट वहाँ के कई सारे मोस्ट असिस्ट अपराइजिंग द कंट्री साइड ऐसे संगठनों का सहायता ली माओवादी संगठनों के बढ़ते हुए प्रभाव का बहाना देकर। ये कह सकते हैं कि बिगेन टेकिंग ओवर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट विद द आर्मीज असिस्टेंस। मोस्ट अपराइजिंग मतलब बढ़ते हुए माओवादी संगठनों का कंट्री साइड देश के अंदर, एज हिज रीज़न उन्होंने बहाना दिया, और बाहर बिगन टेकिंग ओवर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट और सरकार बनाने के विभिन्न कामों में अपना कब्जा लेना शुरू कर दिया विद द आर्मी असिस्टेंस, सेना की मदद लेकर। मतलब ये कह सकते किंग ज्ञानेंद्र ने एक बहाना दिया कि कंट्री के अंदर बहुत सारे माओवादी संगठन बढ़ रहे हैं और सेना की मदद लेके उन्होंने संविधान बनाने का काम शुरू कर दिया। द किंग देन फाइनली टुक ओवर एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन फेबरवरी 2004। और राजा ने शासन की पूरी बागडोर को हाथ में लेके 2005 में वो अपने पूरी तरीके से राजा बन गया और गवर्नमेंट बना ली। इन नवंबर 2005 द मोइस्ट जॉइंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू साइन अ 12-पॉइंट एग्रीमेंट। और नवंबर 2005 में मोइस्ट मीन्स जो माओवादी लोग थे उन्होंने दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ 12-पॉइंट एग्रीमेंट पे साइन किए। 12-पॉइंट एग्रीमेंट हो सकता है जिनमें 12 चीज़ों के बारे में एग्रीमेंट किया गया था। दिस एग्रीमेंट साइंड टू द लार्जर पब्लिक एंड इमिटेंट रिटर्न टू डेमोक्रेसी एंड पीस। दिस एग्रीमेंट साइंड ये जो सिंगल्ड टू द लार्जर पब्लिक ये जो एग्रीमेंट था ये सिर्फ केवल अ लार्जर पब्लिक बड़ी पब्लिक की एन इमिनेंट रिटर्न टू ऐसे चीज़ों को उम्मीद को लेके किया जा रहा था। एक उम्मीद दिखाई दे रही थी जिससे डेमोक्रेसी में शांति बनी रहेगी, लोगों के बीच डेमोक्रेसी और शांति बनी रखने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। इन 2006 द पीपल मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगिन गेनिंग इमेंस फोर्स। और 2006 में लोगों का आंदोलन पूरी तरीके से एक लास्ट स्टेप पे पहुँच चुका था। It repeatedly refused the all consequence that the king made and finally in April 2006 the king restored the third parliament and asked the political parties to form a government. लोगों ने जो राजा की नियम कानून थे, जो उनकी स्मॉल कॉन्सिक्वेंस छोटी छोटी सी रियायतें थीं जो राजा ने लोगों को छूट दे रखी थी, राजा ने पब्लिक को अपनी तरफ मोड़ने के लिए छोटी छोटी छूट दे रखी थी कि छूट देंगे और उनको थोड़े थोड़े अधिकार दे देंगे, बाकी शासन हमारा चलता रहेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों को पब्लिक ने मानने से मना कर दिया और अप्रैल 2006 में
आखिरकार राजा को एक थर्ड पार्लियामेंट बनानी ही पड़ी एंड आस्क पॉलिटिकल पार्टीज, और उस पॉलिटिकल पार्टीज़ को लास्ट में सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। इन 2007 नेपाल एडॉप्टेड एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, और 2007 में नेपाल को एक अपना इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कुछ समय के लिए बनाया जाता है, कुछ इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बना के बनाया गया। एंड द एवर फोटो शोज सीन्स फ्रॉम द पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन 2006, और ऊपर की जो फोटो थी उसमें लोगों के थ्रू लोकतंत्र को डेमोक्रेसी की मांग के लिए जो आंदोलन किया जा रहा था 2006 में, उसकी फोटो है ये। नीचे दिया डिस्कस विद योर टीचर व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्जिक्यूटिव, प्रोवाइड वन एग्जांपल ऑफ कॉन्जिक्यूटिव रूल फ्रॉम योर एवरीडे लाइफ। अपने टीचर के साथ इस चीज़ पे आप लोग चर्चा करेंगे कि जो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड है उससे आप क्या समझते हैं, और हमारी डेली लाइफ में कॉन्जिक्यूटिव रूल्स की क्या भूमिका है, क्या अहमियत है। व्हाई डू द पीपल ऑफ नेपाल वांट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और नेपाल के लोग क्यों किस कारण से एक नए संविधान को पाना चाहते थे। दिया है आगे लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द थ्रो टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल अ कंट्री डेट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ। हम लोगों को ये समझने की कोशिश करेंगे कि दो अलग अलग परिस्थितियों सिचुएशंस को देखेंगे जिसमें दोनों जो सिचुएशंस हैं वो भारत की इंडिया की नॉर्थ बॉर्डर से लगे हुए नेपाल की उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। दिया है अंटिल क्वाइट रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्ची। हमारे जो रिसेंट की न्यूज़ थी उसमें न्यूज़पेपर में हमें ये देखने को मिल रहा था कि जो नेपाल है वो कैसा है, मोनार्ची है। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्ट द फैक्ट डैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। जो 1990 में नेपाल का पहला प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये कहा गया था कि जो शासन होगा वो पूरी तरीके से राजा के हाथ में होगा, फाइनल अथॉरिटी किसके हाथ में होगी, राजा के हाथ में होगा शासन का पूरा अधिकार। अ पीपल मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डिकेड्स टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी and 2006 they finally succeeding in putting an end to the powers of king। और नेपाल के लोग कई डिकेट्स मीन्स दशकों से, डिकेट्स बोलते 10 सालों के समूह को, कई दशकों से लोग डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने की मांग करते चले आ रहे थे, और आखिरकार उन्होंने 2006 में राजा के शासन को ख़त्म कर ही दिया और नेपाल में एक जैसे और आगे दिया है राजा के शासन को ख़त्म कर दिया। नाउ द पीपल हैव टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब वहाँ के लोग एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहते हैं टू इस्टेब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी, नेपाल को लोकतंत्र देश के रूप में बनाने के लिए। द रीज़न डैट दे डू नॉट वॉन्ट टू कॉन्टिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द आइडल्स ऑफ द कंट्री दैट दे वॉन्ट नेपाल टू बी एंड That they have fought for। वे अपने संविधान को, पहले वाले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते, या पहले वाले संविधान से नियम कानूनों को इसलिए नहीं मानना चाहते हैं क्योंकि उसमें कंट्री के लिए जो अच्छे आइडल्स होते हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो थी ही नहीं। वो चाहते हैं कि जिन अधिकारों के लिए वो बराबर लड़ते रहे हैं अब वो उन चीज़ों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देना चाहते हैं। दिया है एज इन द फुटबॉल ऑफ गेम ऑफ फुटबॉल इन विच अ चेंज इन द कॉन्जिक्यूटिव रूल विल चेंज द गेम एल ऑल
together, Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all its consecutive rules in order to use in a new society. जिस तरीके से हम लोग फुटबॉल के गेम में नियम रूल्स को चेंज होते देखते हैं कि रूल चेंज होते ही क्या होता है, खेल चेंज हो जाता है। जैसे हम लोगों देखें कि अगर हमारे रूल चेंज हुए तो वो दूसरा खेल बन गया, तो उसी तरीके से नेपाल में भी राजा की सत्ता के को चेंज करके उसकी जगह पे डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने किया है, तो उस जगह भी सारे रूल सब उनको बदलने होंगे जिससे कि एक नई सोसाइटी को बनाया जा सके। यही कारण था, दिस इज़ व्हाई द पीपल ऑफ नेपाल आर इन द प्रोसेसिंग ऑफ रिटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। इसीलिए नेपाल के लोग अपनी कंट्री के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहते हैं। द कैप्शन अलोंगसाइड एलोब्रेट नेपाल्स स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, जिसमें कि वो जैसा कि ऊपर वाले पिक्चर में लोकतंत्र के बारे में जो स्ट्रगल किया था उसमें बताया गया है, उसमें दिखाया गया है। फिर आगे दिया है कि द सेकंड इम्पॉर्टेंट पर्पज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। और कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि वो हमारे कंट्री की पॉलिटिकल सिस्टम को भी दिखाता है, वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को के डेफिनेट नेचर को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेपाल के पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था कि देश का शासन राजा चलाएंगे और उनके मंत्री चलाएंगे। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और पॉलिटी द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्नमेंट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दीज सोसाइटीज़। लेकिन जिन कंट्रीज में डेमोक्रेटिक रूल्स होते हैं, डेमोक्रेटिक शासन होता है, वहाँ पे जो पॉलिटी होती है वो इस टाइप से चूज़ की जाती है कि वहाँ जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है, निर्णय लेने का सिस्टम है, वो संविधान उसको तय उसके नियम कानूनों को तय करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ी रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस दिखाता है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में और क्रूसिकल रोल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसी गाइडलाइंस बनाने में जिससे कि हम अपने शासन के से जुड़े डिसीजंस को ले सकें, और किसके लिए, अपनी सोसाइटी के अंदर। आगे दिया है, इन अ डेमोक्रेसी वी चूज अवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन आवर बिहाफ। हमारी डेमोक्रेसी में हम अपना नेता खुद चुनते हैं, उसे सत्ता की जिम्मेदारी देते हैं और जिससे वो अपनी सत्ता की जिम्मेदारियों को निभाता है। हाउएवर, देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी डैट दीज लीडर माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफगार्ड्स अगेंस्ट दिस। और ऐसे में हमेशा ये संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है कि ये जो नेता हैं ये अपनी सत्ता का मिसयूज़ ज़रूर करेंगे, अपनी अथॉरिटी अपनी सत्ता का मिसयूज़ ज़रूर करेंगे। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड, और ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है सेफ गार्ड मीन्स सुरक्षा के नियम अगेंस्ट दिस, इस दुरुपयोग के, इस मिसयूज़ के खिलाफ। दिस मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रोज इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन क्लासरूम सिचुएशन लो। और ऐसा ही जैसा कि हमारे नेता लोग करते अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़, उसी तरीके की एक सिचुएशन हमारी नीचे दी गई है, क्लासरूम की सिचुएशन, और देखा जा सकता है कि ऐसा मिसयूज़ करने से किस तरीके का कि इनजस्टिस मिस अन्याय हो सकता है। तो आगे की स्टोरी, क्लासरूम की सिचुएशन, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने यहाँ तक देखा कि नेपाल में किस तरीके से राजा की सत्ता चलती थी, लोगों ने संघर्ष किया और किस तरीके से एक नए डेमोक्रेटिक कंट्री की को इस्टेब्लिश किया, और वो किस क्यों अपने राज्य अपने कंट्री में एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। आगे हम लोग और भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। सो आज इतना ही, थैंक यू क्लास।